When I got nothing, then I asked for something. God gave me everything that I needed. आगाज तेरे नाम से, आगाज तेरे नाम से इकार सा दे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बिसाखी का जो है फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, तो इस खुशी के मौके पे सारे लोग अपने अपने घरों को, क्योंकि छुट्टी जो है इस बिसाखी के मौके पे दो चार छुट्टियां हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने जा रही है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नसीब नहीं होगा, जिनके घर दूर है वो घर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कुछ है। मेरी सासू में समय भी बहुत लगता है, मेरी सासू में समय भी बहुत लगता है, वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, call our respected registrar sir kindly come on the stage.
सभी के लिए नमस्कार। वैशाखी पर्व की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर पर्व का कोई मतलब होता है। वैशाखी पर्व हमारा हर्षोल्लास के साथ स्पेशली पंजाब और हिमाचल में बहुत मनाया जाता है। मेरी तरफ से आईटी यूनिवर्सिटी के बिहार पर सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर जजेस। आवर जजेस फॉर द सिंगिंग एंड डांसिंग आर डॉक्टर ममता फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी, डॉक्टर अंजर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मिसिज अंजना फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर रुपिंदर सिंह फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड our judges for games are as Mr. Neeraj Bhandari from the Department of Pharmacy, Dr. Indu from the Department of Life Sciences, Mrs. Vijeta Slaria from the Department of Arts and Humanities, Dr. Shivali from the Department of Chemistry. I request all the judges please take their seat so that we can continue our function. समंदर के किनारे मत चलो, समंदर के किनारे मत चलो, किनारे टूट जाएंगे। समंदर के किनारे मत चलो, किनारे टूट जाएंगे। किसी के सहारे मत चलो, सहारे छूट जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस, जो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे मिलेगा एक चॉकलेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। लगता ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम से सारे बोल पड़े। साइलेंस साइलेंस। आंसर इज राइट, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि इतने चॉकलेट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर सोलो डांस के लिए रूबी राणा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस। सारना जाना ओ नीरज।
to call our next participant. That is Ashok.
Preeti, give a big hand to Preeti. Yeah.
हमारे दो और पार्टिसिपेंट आ चुके हैं यहाँ पे, तो मैं बुलाना चाहूंगा शिवानी 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 शिवानी
अभिषेक अभिषेक इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।
का चेयर आपके सामने कैम होगी जिसमें हमारे 10 पार्टिसिपेंट होंगे। लक्ष्मी मैम प्लीज अनाउंस द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। म्यूजिकल चेयर में जो पार्टिसिपेंट है, आर फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस सोनिया फ्रॉम एमएससी जूलॉजी, मिस रेनू फ्रॉम एमएससी फिजिक्स, मिस प्रीति फ्रॉम बीएससी फिजिक्स, मिस ईशा फ्रॉम बीएससी, मिस्टर राहुल, मिस्टर गुरप्रीत फ्रॉम एमबीए, मिस्टर सुशील फ्रॉम फार्मेसी। सर ने यहाँ पे चीट उठा लिया है तो सर आज के आज आपके लिए शायरी शेरो शायरी लगेंगे। प्लीज ऑडियंस चाहती है कि आप शेरो शायरी करें।
कुछ मैं सुनाऊंगा आपके लिए आज। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब शादी होती है तो सात फेरे लिए जाते हैं, कोई पता है सात फेरे क्यों लिए जाते हैं? किसी को कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं। चलो कोई भी, आज मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। एक बहुत मशहूर कविता है इसमें, काका हाथी सिंह की। काका हाथी सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? किसे ने नहीं सुना है? ये बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने किस तरह से इसको एनिमेट किया मैं बताता हूँ आप लोगों ने। हफ्ते में दिन सात हैं, हफ्ते में दिन सात हैं, सप्तक में स्वर सात। ये समझ में आ रहा आपको? हफ्ते में दिन सात हैं, सप्तक में स्वर सात, सात समुद्र पार है अमेरिका विख्यात। अमेरिका विख्यात सात की महिमा न्यारी, सप्तपुरी में सप्त ऋषि दैनिक सुखकारी। इंद्रधनुष के सात रंग सबके मन भाते, इसीलिए तो फेरे साथ लगाए जाते। थैंक यू वेरी मच। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि सर ने क्या बताया, लेकिन सात फेरों से मुझे गाना याद आ गया। सात फेरों से हमारे पास है अभी छह पार्टिसिपेंट, जल्दी से आ जाइए प्लीज। Thank you.
Now play the music again. ओ मैं मुंडा पहाड़ा
ओ जिगरा पहाड़ वरगा पक्का कॉल तेरा रांदा ओ नहीं डर सानू पावे भूल जाएंगी साडा चंबा ना बुला पाएंगी वो गल सच्ची सुना बैठा वो गल सच्ची सुना बैठा ऐवे नहीं हो यार मिलना किस्मत ते तेरी छड़ता वो चंबे वाले नहीं मिलते किस्मत ते लिखा नहीं वे वो चंबे वाले नहीं मिलते किस्मत ते लिखा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दिलू में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला, दिलू में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला, रहे बुलंद हौसला तो सामने है मरहला, वहीं पहुंच के सांस लो, भरे चलो भरे चलो भरे चलो। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे जो नेक्स्ट सिंगर होंगे वो है मोनिश फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बीटीए सेंट्रल पुलिस। Oh,
We'll be right back.
फेवरेट होने जा रहा है वो है लेमन स्पॉन रनिंग। तो ऑल द पार्टिसिपेंट आर रिक्वेस्टिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज। लक्ष्मी मैम प्लीज अनाउंस द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। मैं जो हूँ यहाँ पे बेटी सर से एक चीट उठाने जा रहा हूँ। चीट पे लिखा है सर डांस करेंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, डांस तो नहीं कर पाऊंगा तो मैं मिमिक्री कर देता हूँ, मैं पैलेस कर देता हूँ थोड़ा। ऑडियंस की डिमांड क्या है? मजा आएगा। रॉबिन सर करेंगे मेरे साथ। रॉबिन सर ने बड़ी अच्छी मिमिक्री की सीओ सर की, वीसी सर की। मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा, मैं रॉबिन सर की मिमिक्री करूंगा। एक चेयर लगा देना, वो प्लास्टिक वाली चेयर सर, वो प्लास्टिक वाली चेयर। देखो फाइनेंस मैटर जो होता है बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। जब फाइनेंस वाला सेंसिबल तरीके से बैठता है, बात करता है, तो सारा दारोमदार इंस्टीट्यूशन का उस पे होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब रॉबिन सर ने बड़ी अच्छी मिमिक्री की। मैं बोलने वाला था सर हम क्या आपकी मिमिक्री देख सकते हैं? फिर मेरे को अंदर से आवाज आई कि अगर नईम सर मेरे को कहीं मौका दें तो मैं सर की मिमिक्री थोड़ी सी करूंगा। शमी सर मान लीजिए, वैसे मेरे मार्केटिंग वाले इस चीज को ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि फाइनेंस और मार्केटिंग का बड़ा क्लोज रिश्ता होता है। हर दूसरे तीसरे दिन रॉबिन सर के पास मेरी टीम जाती है बिल्स लेके कि सर हमारे बिल्स क्लियर कर दो। अब रॉबिन सर कैसे हैंडल करते हैं इन चीजों को, प्रेशर को, क्योंकि उन पे बाहरी प्रेशर भी होता है, फाइनेंस प्रेशर भी होता है, बिल्स भी क्लियर करने होते हैं। तो थोड़ा सा डेमो करके बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने नॉक किया रॉबिन सर का डोर, टक 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 टक, रॉबिन सर जब अंदर उनके पास चला जाता है, रॉबिन सर अपना काम कर रहे होते हैं, वो बोलता है सर मेरी सैलरी कटो लेता है तो वो फिर चला जाता है, फिर वापस आता है। दोपहर हो गई, अभी तक सैलरी नहीं ना बिल क्लियर हुए, तब तक रॉबिन सर सर वो आपसे रिक्वेस्ट की थी बिल की है हमारे लिए, आज पक्का करता हूँ, मैं इसको वरुण को भेज रहा हूँ, पक्का पक्का आज पक्का कुछ तो डाल दूंगा डाल दूंगा। ये प्रेशर होता है सर, बंदे को खुश भी रखना है, उसके इमोशंस को भी रखना है और इंस्टीट्यूट को भी बैलेंस करना। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड सर आप यहाँ पे हैं और सबको देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब हमारे पास यहाँ पे लेमन रेस के लिए जो है 6 पार्टिसिपेंट है, तो हम जो है पहले 3 की रेस करवाएंगे और उसके बाद फिर से 3 की रेस करवाएंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे, तो जो पहले यहाँ पे पहुंचेगा वो विनर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट है, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ मेरे पास जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। नाउ Start the music! तो यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट आउट हो चुके हैं, एक हमारी दीक्षा और सोनिया। क्योंकि सोनिया का जो है आप सब लोगों ने देखा कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका ये लैमन जो था गिर चुका था, तो यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट रहेंगे और सोनिया को जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे 3 पार्टिसिपेंट जिससे आ रहे हैं, आप प्ले द म्यूजिक। आप कहाँ जा रहे हो? तो
शिवदत्त, तनोज और मोहित। तो अब उनका फिर से एक बार यहाँ पे फेस होगा। अब टेक योर फेस। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा आपने मतलब जैसे मैं हाथ खड़ा करूंगा स्टार्ट करना है वहां से चलना ठीक है ओके। अरे बेटी अरे बेटी मैंने ऊपर तो किया ही आप चलना शुरू हो गए आपने वहां से नहीं निकलना है मैं ऐसे करूंगा फिर आपने निकलना है वहां से तो मुझे फाइनल राउंड इनका होगा ना वाली रेडी है वेलकम मुझे तो हमारे पास
देखो जब तक ना मैं आऊंगा ये वाला हाथ ऐसे खड़ा कर दूंगा। रेडी ओके अब लेकर मुझे उसके बाद अपने बॉटल को हाथ लगाना है। तो स्टार्ट Thank you.
Sir Piyush. Second prize goes to Nina.